जैन साथियों, इस कोरोना संकट काल में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी राजनीति, अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से एक ही राग अलाप रही है कि दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं, दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं, दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को इस बात की प्रसन्नता हो, खुशी हो कि दिल्ली में कोरोना से ज्यादा मौतें हुई हैं, और वो कोई सहयोग करने के बजाय, इस संकट में सरकार का साथ देने के बजाय दिन रात अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को, दिल्ली सरकार को गालियां देने में अपनी पूरी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और ये पूरी दिल्ली देख रही है, ये पूरा देश देख रहा है कि इस संकट के समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या चरित्र है, क्या योगदान है, इस संकट में वो दिल्ली वालों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। और जिन आंकड़ों की बात वो कर रहे हैं, कोरोना से मौत के आंकड़ों के बारे में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों को जारी करने के लिए, उस रिपोर्ट को घोषित करने के लिए, मौत के बारे में जानकारी देने के लिए जो डेथ ऑडिट कमेटी बनी है, यानी डॉक्टर्स की जो कमेटी बनी है, यानी कोरोना योद्धाओं की जो कमेटी बनी है, उस पर दिल्ली हाई कोर्ट को, दिल्ली उच्च न्यायालय को कोई संदेह और शक नहीं है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, जो डॉक्टर्स की डेथ ऑडिट कमेटी है जो कोरोना से मौतों के आंकड़े को अनाउंस करती है, घोषित करती है, उन डॉक्टर्स की कमेटी पर दिल्ली हाई कोर्ट को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, और वो सारे के सारे मौत के आंकड़े जो अब तक जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, डेथ ऑडिट कमेटी के द्वारा, डॉक्टर्स की कमेटी के द्वारा, वो सही है, ये दिल्ली हाई कोर्ट मान रहा है। अब एमसीडी क्या कह रही है, भाजपा क्या कह रही है, कह रही नहीं साहब, हम तो हाई कोर्ट नहीं मानते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, हम ही हाई कोर्ट हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं। अरे आपको शर्म नहीं आती, ऐसे संकट के समय में भी ऐसी घटिया और ओछी राजनीति करते हुए, दिन रात आप लोगों के पास एक ही काम है, सिर्फ केजरीवाल को अपमानित करो, सिर्फ केजरीवाल को बदनाम करो, सिर्फ आम आदमी पार्टी को टारगेट करो, कोई सहयोग नहीं। जो दिल्ली सरकार, जो अरविंद केजरीवाल 10,000 बेड का इंतजाम कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए करते हैं कि भाई अगर कोई इनको आवश्यकता हो तो अस्पताल में बेहतर इलाज मिल सके, प्लाज्मा थेरेपी की चिकित्सा विधि अपनाकर प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों को ठीक करने की चिंता करते हैं, वेंटिलेटर्स की सुविधा कैसे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, ऑक्सीजन की सुविधा कैसे ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, क्वारंटाइन सेंटर्स की कैसे ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो। अरविंद केजरीवाल तो दिन रात इस काम में लगे हुए, 10 लाख रसोइयां प्रतिदिन चल रही है 10 लाख लोगों के लिए, दोनों वक्त की, ये पहले दिन से लॉकडाउन घोषित होने के बाद से अभी तक चल रही है। 1 करोड़ लोगों को राशन बांटा जा चुका, मजदूरों के खाते में 5,000 की पेंशन, 5,000 की सहायता, ई रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वालों के खाते में 5,000 की सहायता, वृद्धा विकलांग विधवा की पेंशन दोगुना करने का काम, एक नहीं कई स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिन रात काम कर रही है। डॉक्टर्स को पीपीई किट्स उपलब्ध कराना हो, डॉक्टर्स को सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, डॉक्टर्स के साथ खड़े होने की बात हो, तो अरविंद केजरीवाल तो चिंता इस बात की कर रहे हैं कि कैसे इन मरीजों की जान बचाई जा सके, और भाजपा इस बात में लगे हुए हैं कि डेथ ज्यादा हो गई, मौत ज्यादा हो गई, मौत। अरे तुम्हें खुशी हो रही है इस बात की, तुम जश्न मना रहे हो इस बात का कि यहां पे मौतें ज्यादा हो गई। चलो मान लेते हैं, एमसीडी की ही मान लेते हैं, भाजपा की ही मान लेते हैं। अरे भाई अगर मौतें ज्यादा हो गई तो आपको ज्यादा मदद करनी चाहिए ना, आपको हमारा ज्यादा सहयोग करना चाहिए, इस संकट में ज्यादा खड़ा होना चाहिए दिल्ली वालों के साथ। एमसीडी के इतने अस्पताल हैं दिल्ली में, एक भी कोविड हॉस्पिटल एमसीडी ने बनाया हो अब तक बता दो आप। एमसीडी के पास इतने संसाधन हैं, आप कहीं एमसीडी की ओर से रसोई चला रहे हो बता दो आप। तो ना तो तुम कोविड हॉस्पिटल बनाओगे कोविड के मरीजों का इलाज करने के लिए, ना गरीबों की मदद के लिए रसोइयां चलाओगे, ना केंद्र से हमें कोई सहायता दिलाओगे। 17,500 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों को बांटी, 17,500 रुपए भी दिल्ली को नहीं दिया।
इस पे एक भी भाजपाई नेता ने आवाज नहीं उठाई कि भाई दिल्ली जो तीसरे नंबर पे केसेस में है, दिल्ली जो इतनी संकट की स्थिति में है, उसको कुछ आर्थिक मदद दी जाए। आर्थिक मदद देने के नाम पे हाथ पीछे खींच लेते हो, संकट में साथ खड़े होने के नाम पे हाथ पीछे खींच लेते हो, खाली बदनाम करने के लिए सबसे आगे आ जाते हो कि मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा है, मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा है। खुद एम्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि जितनी प्रकार की भी मौतें हो रही है, जिन जिन बीमारियों से भी मृत्यु हो रही है, सब भाजपाई कोरोना से डेथ में जोड़ दे रहे हैं। एमसीडी का ही आंकड़ा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पिछले साल के मुकाबले जो टोटल डेथ हुई है, पूरी जो मृत्यु हुई है जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक, पिछले साल की तुलना में इस साल 6600 डेथ कम हुई, यानी 6600 मृत्यु कम हुई है। ये एमसीडी का आंकड़ा, अगर टोटल डेथ की बात आप करेंगे तो हर मौत को आप अगर सिर्फ कोरोना से जोड़ देंगे, हर मौत को सिर्फ कोरोना साबित करने में लगेंगे, तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ओछी राजनीति करने में लगी हुई है। मैं दिल्ली वालों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, आज जो लोग कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली के डॉक्टर्स और नर्सेस का मनोबल गिरा रहे हैं, जो लोग दिल्ली की जनता के मनोबल को गिरा रहे हैं, इनके चेहरे को पहचानिए, जो डॉक्टर्स अपना जीवन संकट में डाल के, जो नर्सेज अपना जीवन संकट में डाल के इन कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं और खुद से भी उस संक्रमण का शिकार हो जा रहे हैं, कई डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो नर्सेज और डॉक्टर्स के प्रयास से लोगों की जान नहीं बच रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है डॉक्टर्स की डेथ ऑडिट कमेटी, कोरोना योद्धाओं की डेथ ऑडिट कमेटी झूठ बोल रही है। इनके इस चेहरे को पहचानिए, इनकी इस असलियत को पहचानिए, इनको पहचानिए कि लाशों के नाम पर भी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घिनौनी राजनीति करती है, इनको पहचानिए कि किस तरह से कोरोना के संकट काल में भी ये अपनी घटिया राजनीति से बाज नहीं आ रहे। अरे इतिहास लिखा जाएगा भाजपाइयों, तो ये नहीं लिखा जाएगा कि कोरोना संकट के समय में केजरीवाल की तुमने कितनी आलोचना की, तुमने केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को कितनी गालियां दी, ये लिखा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि जब कोरोना का संकट काल था, दिल्ली वाले इस संक्रमण से बचने के लिए जूझ रहे थे, तो तुमने कितने कोविड के हॉस्पिटल एमसीडी में बनाए, तुमने कितने जगहों पर रसोईयां चलाई, कितनी जगहों से केंद्र सरकार से मदद दिलवाई, कितनी हमारी सहायता में खड़े हुए, कितने हमारे सहयोग में खड़े हुए, ये देखा जाएगा। और इतिहास तुम्हारे इन कर्मों के लिए माफ नहीं करेगा कि आज जो तुम इस संकट के काल में भी एक प्रकार से ऐसी राजनीति कर रहे हो, लाश और मौत की राजनीति, जिससे घटिया, जिससे ओछी कोई राजनीति नहीं हो सकती। मैं इस समय भी प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि तुम लोगों को सद्बुद्धि दे, तुम्हें थोड़ा ज्ञान दे, तुम्हें थोड़ा इस संकट में कैसे साथ देना चाहिए ये सबक प्रभु आपको, ये ईश्वर दे, मुझे लगता है वही आपके लिए अच्छा होगा। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के बाद, हर तरफ से यह सही मान लिया गया कि दिल्ली में जो मौत का आंकड़ा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने जारी किया है, दिल्ली के डॉक्टर्स की डेथ ऑडिट कमेटी ने जारी किया है, दिल्ली के हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने मान लिया कि वो सारी रिपोर्ट सही है, बावजूद इसके एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी दिन रात दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने में लगी हुई है। इस सच को पहचानिए, इस सच को जानिए और अपनी आवाज अपने तरीके से उठाइए, अपनी आवाज इन बेशर्म लोगों के खिलाफ जो लोग आज दिल्ली को बदनाम करने में लगे हुए हैं, दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के कोरोना योद्धाओं को गालियां देने में लगे हुए हैं, उनको जवाब दीजिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।